नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत करते हैं। मैं अनिल कुमार यादव सूरज। आज का वीडियो है भाग टू त्रिकोणमिति ट्रिग्नोमेट्री। प्रश्न सीधे आपकी बुक से बताया जा रहा है यहाँ पे। तो ये जैसा कि क्लास 10th के लिए वीडियो बनाया जा रहा है, लेकिन क्लास 11th वाले भी इसको देख सकते हैं, क्योंकि 11th वाले के बुक में पुनरावृत्ति नाम का जो चैप्टर है त्रिकोणमिति का, वो क्लास 10th का ही वीडियो होता है या क्लास 10th के ही चैप्टर्स होते हैं। तो उसको देखने के लिए, भाग एक को देखने के लिए डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, वहां पे आप जाकर क्लिक करके सारे वीडियोस देख लीजिए। तो भाग टू में हम बताने जा रहे हैं प्रश्न 2। जैसा कि पहले भाग में हमने बता दिया था क्वेश्चन नंबर 1, तो भाग टू में बताएंगे क्वेश्चन नंबर 2। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 2 क्या है उसको लिख लेते हैं और उसको वहां पे बताना शुरू कर देते हैं। sec^4θ माइनस tan^4θ इज इक्वल टू, हमें सिद्ध करना है 1 + 2 tan²θ। ये हमें लेफ्ट हैंड साइड दिया, राइट हैंड साइड प्रूफ करना है। तो लिखेंगे हल, अब लिखेंगे लेफ्ट हैंड साइड, मतलब हम किस पक्ष को लेकर हल करते हैं वहां पे हमें लिखना पड़ेगा। लिख लिए, अब हमें लेना है sec^4θ माइनस tan^4θ। ये हमने ले लिया। अब देखिए इसको लिखना है sec²θ का स्क्वायर लिख लेंगे माइनस tan²θ का स्क्वायर। ये हमने पावर का पावर बना लिया, क्योंकि 2 का पावर 2 में हो जाएगा पावर 4 आ जाएगा, 2 का पावर 2 गुणा होगा तो पावर 4 कर लिए। अब देखिए ये a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर, फॉर्मूला दिख रहा है a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर। फॉर्मूला होता है यहाँ पे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर होता है ए प्लस बी और ए माइनस बी, ये फॉर्मूला होता है। तो ये अप्लाई यहाँ पे कर लेते हैं। तो लिखेंगे पहले ब्रैकेट में ए प्लस बी, मतलब sec²θ प्लस tan²θ, ये पहले ब्रैकेट में। दूसरे में sec²θ माइनस tan²θ, जो फॉर्मूला है उस फॉर्मूले में हमने रख लिया। ए की वैल्यू हमारा सेक स्क्वायर के रूप में, इसलिए स्क्वायर कर लिया। अब हमने फॉर्मूला एक बताया था भाग एक में कि इतना इज इक्वल टू 1 होता है, तो इसको 1 लिख लेते हैं। sec²θ प्लस tan²θ इंटू इसकी वैल्यू है 1, ये हो गया। अब देखिए यहाँ पे एक चीज देखने की बातें हैं, हमें सिद्ध करना है टेन के रूप में, सेक के रूप में नहीं। तो हमें क्या करना है, इस सेक को टेन के रूप में चेंज कर देना है। तो लिखेंगे sec²θ बराबर होता है 1 + tan²θ, ये फॉर्मूला हो गया। बीच में प्लस tan²θ इंटू 1 का गुणा कर दिया, वो हट जाएगा। फिर 1 + tan²θ tan²θ मिलकर हो जाएगा 2 tan²θ, ये हो जाएगा हमारा राइट हैंड साइड। तो यहाँ पे हमें लिखना है लास्ट लाइन, लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। चलिए बताते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3, यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड ये है, राइट हैंड साइड ये है, दोनों को हमें प्रूफ करके सिद्ध करना है। तो लिखेंगे लेफ्ट हैंड साइड, तो जो क्वेश्चन है पहले उसको उतारते हैं, ये √1 cos θ। अब इस तरह से यदि कोई भी क्वेश्चन देता है तो हमें पता नहीं चलता है कि करना क्या होता है। तो इसको करने के लिए हमेशा प्रमेय गुणांक करते हैं, नीचे के विपरीत, ये नीचे माइनस है तो उसके विपरीत प्लस का गुणा करते हैं, ऊपर और नीचे दोनों, उसे प्रमेय गुणांक कहते हैं, कि नीचे के विपरीत ऊपर नीचे गुणा करते हैं। अब देखिए ऊपर का ऊपर गुणा करेंगे तो 1 + cos θ 2 बार आया हुआ है, उसको होल स्क्वायर कर लेंगे। अब नीचे क्या है, a माइनस बी ए प्लस बी, फॉर्मूला दिख रहा है, तो लिखेंगे a² - b², ये फॉर्मूला हो गया। a² - b² बराबर a माइनस बी ए प्लस बी, फॉर्मूला हो गया। फिर ऊपर है 1 + cos θ² 2 बट्टे, ये हो जाएगा 1 - cos²θ बराबर sin²θ होता है। फिर अब इसको क्या करना है, लिखेंगे 1 + cos θ / sin θ,
ये क्यों किए हैं? क्योंकि इसका भी स्क्वायर है, इसका भी स्क्वायर है, दोनों का स्क्वायर है, तो दोनों की पावर स्क्वायर लगा देंगे, इसका भी स्क्वायर ऊपर कर देंगे, इसका है तो पहले से था ही, ये हो गया। अब इसको अलग अलग डिवाइड कर लेते हैं, वन अपान साइन थीटा प्लस कॉस थीटा बटे साइन थीटा, अब दोनों का होल स्क्वायर। ये फॉर्मूला से होता है कोसेक थीटा प्लस ये फॉर्मूला से होता है कॉट थीटा, दोनों का होल स्क्वायर। ये हो जाएगा राइट हैंड साइड और यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू आ गया। क्वेश्चन नंबर फोर, क्वेश्चन नंबर फोर में देख लीजिए, यहाँ पे लेंगे लेफ्ट हैंड साइड। अब यहाँ पे इसका मल्टीप्लाई कर देना है, तो लिखेंगे कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, इसका मल्टीप्लाई कर लिया टोटल के बटे साइन थीटा। अब देखिए ये फॉर्मूला से होता है वन अपान साइन थीटा, अब इसका भी फॉर्मूला होता है, ये फॉर्मूला हो गया कोसेक थीटा। आप हमेशा फॉर्मूले को नोट करिएगा, बिना फॉर्मूले से आप यहाँ पे एक भी सवाल नहीं लगा पाएंगे। ये हो गया, ये तो लिखेंगे राइट हैंड साइड, यही हमें प्रूफ करना था, हो गया। क्वेश्चन नंबर फाइव, क्वेश्चन नंबर फाइव में यहाँ पे तीन है अलग अलग, इसको लेकर ये सिद्ध करो और इसी से ये सिद्ध करो, या इसी से तीनों सिद्ध करो, कोई दिक्कत नहीं, कर सकते हैं। लिखेंगे लेफ्ट हैंड साइड, तो इसको लेते हैं कॉस थीटा बट्टे वन प्लस साइन थीटा, हमने पहले ही बताया था इस तरह से आएगा तो प्रमेय गुणांक करना पड़ेगा, तो हमने यहाँ पे प्रमेय गुणांक कर लिया। अब इसके बाद ऊपर का ऊपर नीचे का नीचे गुणा कर लेते हैं, कॉस थीटा वन माइनस साइन थीटा ऊपर हो गया, नीचे ए प्लस बी ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हमने नीचे लगा लिया। अब देखिए कॉस थीटा ब्रैकेट में वन माइनस साइन थीटा टोटल के बटे ये होता है कॉस स्क्वायर थीटा, तो कॉस से कॉस एक बार कटेगा, एक बार यहाँ पे बचेगा क्योंकि यहाँ पे दो बार था, तो क्या हो जाएगा वन माइनस साइन थीटा बटे कॉस थीटा। तो हमारा ये एक आ चुका है, देखिए यहाँ पे ये वाला आ चुका है यहाँ पे। अब इसी को लेकर अगला सिद्ध करना है, तो चलिए अगला भी सिद्ध कर लेते हैं। तो अब इसको क्या करेंगे, वन माइनस साइन थीटा बटे कॉस थीटा ये है। अब क्या करते हैं, इसको अलग अलग डिवाइड कर लेते हैं, मतलब एक बार लिखेंगे वन अपान कॉस थीटा माइनस एक बार लिखेंगे साइन थीटा बटे कॉस थीटा, ये अलग अलग डिवाइड कर लिए। ये फॉर्मूला से होता है सेक थीटा माइनस ये टेन थीटा, ये हो गया राइट हैंड साइड, ये हमने तीनों को प्रूव कर लिया। क्वेश्चन नंबर सिक्स समझ लीजिए इसको, सिक्स नंबर लेफ्ट हैंड साइड शुरू करते हैं, तो यहाँ पे लिखेंगे साइन थीटा बटे कॉस थीटा प्लस साइन थीटा टोटल के बटे साइन थीटा बटे कॉस थीटा माइनस साइन थीटा, ये हमने टेन का फॉर्मूला लगा लिया। फिर आगे अब गुणा कर लेंगे इसमें, तो साइन थीटा प्लस साइन थीटा कॉस थीटा टोटल के बटे कॉस थीटा, नीचे साइन थीटा माइनस साइन थीटा कॉस थीटा टोटल के बटे कॉस थीटा, ये हो गया। अब आगे देखिए यहाँ पे हमें कॉस से कॉस कैंसिल कर देंगे और यहाँ पे साइन को कॉमन लेना है, साइन थीटा को बचेगा वन प्लस कॉस थीटा, नीचे भी वही करना है साइन थीटा कॉमन, तो वन माइनस कॉस थीटा, अब ये साइन से साइन कट जाएगा। अब कॉस को चेंज करना है सेक में, क्योंकि हमें सेक में आंसर लाना है, तो वन प्लस वन अपान सेक थीटा बटे वन माइनस वन अपान सेक थीटा, ये हो गया। अब सेक का मल्टीप्लाई करेंगे, तो सेक थीटा प्लस वन और सेक थीटा माइनस वन, और सेक ये तो मल्टीप्लाई करेंगे, सेक से सेक नीचे कट जाएगा, मतलब ये बच जाएगा राइट हैंड साइड,
तो हमें उम्मीद है दोस्तों ये 6 क्वेश्चन आपको यहाँ पे समझ में आ गए होंगे। तो नेक्स्ट भाग को देखिए ताकि इसके आगे के क्वेश्चन हम बताए हुए हैं वहां पे आप जाकर देख लीजिए। यहाँ पे 6 क्वेश्चन हमें बता दिया, 7वें क्वेश्चन से आपको डिस्क्रिप्शन में जाना है, वहां पे लिंक दिया गया है, वहां पे आप जाकर क्लिक करके देख सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़।